हाय गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस तो आज के हमारी रीडिंग है, आप देख सकते हो एरिस यानी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मार्च 2022 कैसा रहेगा, तो इसके लिए मैं आपके सामने ही सफलिंग कर रही हूँ और अलग अलग पाइल बना रही हूँ, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी फैमिली, सेकेंड लव लाइफ, थर्ड कैरियर, फोर्थ स्टूडेंट, फाइव हेल्थ और लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे और गॉड के मैसेज भी देखेंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, सफलिंग आपके सामने ही करूँगी। तो मार्च महीने में आपकी कर्मा की स्थिति क्या बनी हुई है वो हम देखेंगे मेष राशि वालों के लिए। मार्च 2022 यूनिवर्स डिवाइन यहाँ से देखेंगे यूनिवर्स डिवाइन। यूनिवर्स डिवाइन मेष राशि मार्च 2022 ओके अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन गॉड के मैसेज भी लेंगे यहाँ से। ओके ये गॉड के मैसेज है गाइस। ओके ये हमारी फर्स्ट पाइल रहेगी फैमिली, सेकंड पाइल हमारे पास रहेगी लव लाइफ, थर्ड कैरियर, फोर स्टूडेंट, फाइव हेल्थ और ये गाइडेंस और ये गॉड की मैसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस चलिए फैमिली को लेकर देखते हैं मेष राशि मार्च 2022। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके फ्लावरिंग, मेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। अब आपके कर्मा की जो स्थिति बनी हुई है फैमिली को लेकर गाइस मेष राशि के लिए की स्पिरिट फॉक्स ये कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल आपको बहुत ही अच्छा एक अनुभव देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने टैलेंट को देख पाएंगे और आपको अपने टैलेंट को पहचान पाएंगे। ओके और आपका कर्मा का जो ये कार्ड है वो यही बताता है कि आप फैमिली में बहुत ही अच्छी तरह से हर एक इंसान के साथ घुल मिल जाओगे और आपका जो वक्त है वो बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के साथ
स्पेंड होने वाला है, ओके। और आपकी फैमिली के लोग भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, अमेजिंग। अब फैमिली को लेकर जो आपके जो ये कार्ड आए हैं उसमें राशि आई है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। तो फैमिली के साथ आप बहुत ही ज़्यादा आपकी छोटी या बड़ी ट्रैवलिंग होगी, जर्नी होगी, ओके। और उनके साथ आप घूमने फिरने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने वाले हो क्योंकि आपको फैमिली का सपोर्ट भी आपको मार्च महीने में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और गाइस अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी आ रही है, तो वो जिम्मेदारियों को भी आप पूरा करते हुए दिख रहे हो। और जो लोग प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर रहे हैं वो मार्च महीने में होने के 100% चांसेस है, हो जाएगी। और गाइस आप अपनी फैमिली में अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी बिठाने की आपकी जो कोशिश है वो यहाँ भी कोशिश दिख रही है, यहाँ भी कोशिश दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है, वो कोशिश में आप कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। और फैमिली के साथ मार्च महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका, खूबसूरत। ये है आपके रीडिंग, बाय गाइस। हाय गाइस, लव लाइफ को लेकर देखते हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ कप, फोर ऑफ वॉन्ड, गाइडेंस, सेकंड चक्र आर्कएंजल एलियर, ओ बहुत ही खूबसूरत, ओके। आपकी जो कर्मा की स्थिति बनी हुई है लव लाइफ को लेकर, इसके लिए कार्ड आया है सेफ शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड इविल योर गिफ्ट्स, ओके। तो गाइस ये कार्ड यही कहता है कि आपके जो लाइफ में आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और आप कार्मिक सोलमेट हो तो भी गाइस आपके पार्टनर आपको कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं और ये सरप्राइज़ बहुत ही खूबसूरत होगा। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ 10% लोगों को लेकर मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं और आपके लिए कुछ अच्छा डिसीज़न लेने के बारे में सोचने वाले हैं। लेकिन 90% लोगों के लिए यही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेने वाले हैं और कुछ सरप्राइज गिफ्ट आपको देने वाले हैं, किसी भी तरह का कन्फेस कर सकते हैं, उन्होंने प्यार का हिस्सा नहीं किया हो तो शादी का ऑफ़र दे सकते हैं, सगाई का ऑफ़र दे सकते हैं, ओके। और अभी जो आपकी जो ये सिचुएशन है उसमें साइन आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो है, ओके। तो गाइस आपके पार्टनर जो अभी हाल फिलहाल अब तक आपको लेकर जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे और इस तरह से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आपको लेकर क्या डिसीज़न ली, और उनका ये भी मानना था कि कहीं आप मुझे भूल ना जाओ और शायद आप मुझे भूल गए होंगे, इस तरह से भी उनका सोचना, उनकी थॉट प्रोसेस बन रही थी, ओके। लेकिन अब मार्च के महीने में वो आपको लेकर, आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस हो तो वो ट्रैवलिंग करते हुए आपके पास आने वाले हैं, ओके। और आपको एक वो आपको मिलने वाले हैं, आपकी मीटिंग होने वाली है मार्च के महीने में मेष राशि वालों के लिए, ओके। और वो आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, वो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे मार्च महीने में, और वो आपको सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और वो आपके साथ जो एक फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं और एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हैं, वो इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उनके मन में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी फीलिंग वो आपको देने वाले हैं और उनको अभी हाल फिलहाल मिल रही है, तो वो आपको लेकर एक अच्छा और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ आपको घूमने फिरने ले जा सकते हैं,
और अलग कंट्री में भी ले जा सकते हैं, और आप दोनों का तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ सिर्फ आपके लिए गाइडेंस यही है गाइस कि आपको ज़्यादा उम्मीद अपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर नहीं रखनी है, वरना वो चिढ़ सकते हैं। यही आपके लिए एडवाइस है। ओके, तो ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, करियर को लेकर देखते हैं। जजमेंट, क्वीन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, अलोननेस, जर्नी, ओके। और आपकी जो कर्मांक स्थिति बनी हुई है मार्च 2022 में, इसके लिए कार्ड आया है डायरेक्शन गार्डियन। इसका मतलब ये होता है कि मार्च का महीना कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सभी का मिलने वाला है, साथ मिलने वाला है। आप जो कुछ भी करोगे उसमें आपको तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपकी बढ़ोतरी होगी, आप एक ऊंचे ओहदे के ऊपर भी जा सकते हो। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस है गाइस। कर्मा की स्थिति तो यही बता रही है आपकी लाइफ में। अब गाइस, जो यहाँ कार्ड है वो है एरिस लियो सेजिटेरियस और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। तो ये कार्ड यही कह रहे हैं गाइस कि आपकी कैरियर में जो कुछ भी आप चाह रहे थे वो आपको मार्च में मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। अपने जिस तरह का आपका एक जॉब हो या फिर बिजनेस हो, इसके लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, और आप मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। अलोननेस का कार्ड यही बताता है कि आप सभी तरह से खुश रहोगे। ओके, लेकिन यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप के अपने लोग जो है उसके ऊपर आपको सतर्क नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको चीट भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, और जो एक आपको ऑफर मिले तो वो भी छीनने की वो कोशिश कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, और एक बात गाइस कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिल जाएगी, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और गाइस एक बात कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो गाइस उसमें भी पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मतलब जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो उसके लिए सिर्फ यही है कि आपकी कोशिश 100% है तो आपको अब पास हो जाओगे और गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। ओके, तो ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं। एट ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स, इसका मतलब होता है टेन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरो, एनवी। ओके, और आपकी जो कर्मा की स्थिति बनी हुई है वो है गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। तो ये जो एट ऑफ वांड और टू ऑफ वांड दोनों का कॉम्बिनेस होता है टेन ऑफ वांड, और आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो अपनी स्टडी को लेकर। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और टूटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने खुद के ऊपर भरोसा करना है। मैं आपके अंदर ही हूँ, भगवान आपके अंदर ही है, वो देख रहे हैं सब कुछ, तो सिर्फ आप मेहनत करनी है, टेंशन नहीं लेना है। तो गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा स्टडी को लेकर एक भार महसूस कर रहे हो, बर्डन महसूस कर रहे हो, उसके लिए कहा जा रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, और आपको कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी मेहनत कर रहे हो वो सरल तरीके से कीजिए और टेंशन के साथ स्टडी मत कीजिए। आपको सरल तरीके से स्टडी करनी है, बाकी आपको सब कुछ आ जाएगा, आपको सिर्फ अपने खुद के ऊपर भरोसा करना है। मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपको टूटने नहीं दूँगा, मैं आपको कमज़ोर नहीं पड़ने दूँगा। ओके, गॉड आपको कह रहे हैं सिर्फ आपको कोशिश करनी है, फिर गॉड के ऊपर छोड़ देना है, स्टडी करनी है सरल तरीके से और फिर गॉड के ऊपर छोड़ देना है, लेकिन बर्डन नहीं महसूस करना है। आप बहुत ज़्यादा स्टडी में मेहनत करते हो गाइस, लेकिन फिर फिक्र करने लगते हो कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझको
एग्ज़ाम में आएगा भी या नहीं, इस तरह से आप फिक्र करने लगते हो, तो आपको फिक्र नहीं करनी है। आप बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हो, सिर्फ आपको मेहनत करनी है और गॉड के ऊपर छोड़ देना है, और आपकी अच्छी खासी मेहनत भी है। और आपको कहा जा रहा है गाइस कि आप स्टडी करते हो लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर आप सैड हो जाते हो कि मुझे आएगा कि नहीं, तो वो आ जाएगा, इसकी फिक्र मत कीजिए। और आपको कहा जा रहा है कि आप आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा बातें सुनते हो, तो वो आपको नहीं सुननी है। ओके, आपको सिर्फ अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना है और स्टडी के ऊपर फोकस करना है। बाकी स्टडी तो आपकी बहुत ही बढ़िया है गाइस, हैट्स अप, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। सिर्फ आपको टेंशन लेकर मेहनत नहीं करनी है, यही है। और गॉड के ऊपर भरोसा रखिए, गॉड कभी भी कुछ भी अच्छे लोगों के साथ गलत नहीं करता है, विश्वास रखिए। ये है आपकी रीडिंग, बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज। द फूल, नाइन ऑफ कप, पेज ऑफ वांड्स, द ड्रीम, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। ओके, और आपकी जो कर्मा की स्थिति बनी हुई है मार्च में, वो है वाटर गार्डन। ओके, तो गाइस आप मार्च महीने में थोड़े ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, और आपको एक सीधे और सिंपल तरीके से जितना इमोशनल होना चाहिए एक इंसान को उतना ही होना है। ओवर इमोशनल या किसी के बहकावे में ज़्यादा इमोशनल होकर बह नहीं जाना है, आपके लिए यही है। आपको थोड़ा ख्याल रखना है, हेल्थ वाइज भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ओके, मतलब हेल्थ वाइज आपको किसी से कुछ बात जानने को मिले तो तुरंत उनकी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना है, वही आपका ओवर इमोशनल है, तो वो नहीं होना है। सोच समझकर किसी के ऊपर भरोसा करना है। ओके, इमोशनल में आकर कुछ गलत डिसीज़न नहीं लेना है हेल्थ वाइज। अब गाइस आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो तो यही आपके लिए एडवाइस है गाइस, कि आपको सोच समझकर किसी के ऊपर भरोसा करना है। अब मार्च महीने में आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहने वाली है, और यहाँ जो गाइस साइन आए हैं वो है कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो और एरिस लियो सेजिटेरियस। और आपको आपके फैमिली के साथ थोड़ा एडजस्ट होना सीखना पड़ेगा। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, इस वजह से किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना है आपको, वो भी आपके लिए मेहनत इतनी ही कर रहे हैं और केयर भी इतनी ही कर रहे हैं, तो थोड़ा उनका भी ख्याल रखिए और उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा मत होइए। आपकी हेल्थ अच्छी होने के लिए आपको खुद से ही थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, और जिनकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपको मार्च महीने में बहुत ही अच्छे इंसान का मिलना होगा, उससे आप एडवाइस ले सकते हो। लेकिन किस इंसान के ऊपर भरोसा करना है और किस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना है, इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको सोच समझकर किसी के ऊपर भरोसा करना है, नहीं तो धोखा भी मिल सकता है। ओके, तो हेल्थ वाइज तो मार्च महीने में तो अच्छी ही रहेगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है उनको बहुत ज़्यादा आंसर मिलेंगे अपनी हेल्थ को लेकर, उसमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है वही आपको ढूंढ निकालना है मार्च महीने में, और वो आप कर लोगी गाइस, क्योंकि आपको अब अंदाज़ा आ गया है कि किस तरह से किसी के ऊपर कितना भरोसा रखना है और कितना नहीं। लेकिन एडवाइस के तौर पर मैं फिर से दोबारा कह रही हूँ कि धोखा नहीं खाना है, गलत एडवाइस के ऊपर आगे नहीं बढ़ना है। ओके, सीखना है वक्त के साथ, सीखना है कि कौन इंसान अच्छा है कौन इंसान बुरा है। ये है रीडिंग गाइस, बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुएल, स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, तो यहाँ एयर साइन बहुत ही ज़्यादा है गाइस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो गाइडेंस के तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। ओके, और आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है,
ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, ज़्यादा विश्वास नहीं करना है किसी भी तरह का, कुछ भी चीज़ हो, बातें हो, सिचुएशन हो, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओवर नहीं करना है। और आपको दो सिचुएशन में तो कभी नहीं फंसना है। आपके सामने कभी दो सिचुएशन आ भी जाए मार्च के महीने में, तो इसके लिए आपको यही है कि आपको अपने अंतर्मन से पूछना है कि कौन सा डिसीज़न मैं लूँ, फिर आपको इसके ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है, डाउट करते हुए आगे नहीं बढ़ना है। ओके, यही आपके लिए गाइडेंस है। ये है रीडिंग गाइस, बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए गॉड मैसेज देख लेते हैं। रिकवरी, इम्प्रूविंग हेल्थ, नो, ओके। तो गाइस, गॉड के मैसेज यही है कि मार्च महीने में जिन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं थी, वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है, इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और जो लोग चाहते थे कि अपनी लाइफ में कुछ किसी भी तरह की एक अच्छी खासी आपकी लाइफ हो, उस तो सभी बातों को लेकर आपकी लाइफ में एक बदलाव आने वाला है। आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी तो वो अच्छी चलने लग जाएगी। आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो वो सपोर्ट मिलने लग जाएगा। मतलब पूरी तरह से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अब गाइस, जो कुछ भी आप चाह रहे हो और वो आपको नहीं मिल रहा है, आपकी 100% कोशिश करने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए इसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। थोड़े वक्त के लिए वो बात हो, चीज़ हो, सिचुएशन को छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। उसके बाद वो आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसका अभी सही वक्त नहीं आया है, तो इसको अभी आप नहीं कर सकते हो, गॉड का कहना है। तो अभी आप उसको मत कीजिए, ओके। जिसमें आप 100% दे रहे हो और उसमें आपको 0% भी सक्सेस नहीं मिल रही हो, इसके लिए कहा जा रहा है कि अभी इसको आपको साइड में कर देना है। आप कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इस मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में होगा, इस तरह से गॉड का कहना है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।